हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड आप लोग कैसे हो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेके आ गए। फ्रेंड फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू का अचार जो सालों साल तक चलेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, कैसे बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे और इसको साल भर कैसे स्टोर करके रख सकते हैं और यानी किस सीजन में ये नींबू का अचार बना के रखना चाहिए जो ख़राब नहीं होता है, भी इस वीडियो में सब जानेंगे। तो फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। यहाँ पर हम 2 किलो नींबू का अचार ले लिए, इसको अच्छे से धो लिए, साफ़ कर लिए हैं और इसको हम एक यानी साफ़ कपड़े से इसका जो पानी था उसको पोंछ लिए थे, अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो और इसके पानी भी यानी अच्छे से सुखवा लिए हैं, इसमें पानी ना लगा हो। तो चलिए फ्रेंड इसको सबसे पहले कट कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे कट करेंगे तो वीडियो में देख सकते हैं किस तरह कट कर रहे हैं हम। इसको चार वो कली काटेंगे क्योंकि ये बड़ा नींबू है, तो इसको 4 पीस करेंगे। तो देख सकते हैं इसको बीच से हम कट कर रहे हैं। फ्रेंड नींबू का अचार आप बना के रख लीजिए साल भर के लिए और ये पेट के लिए भी, हाजमे के लिए भी अच्छा रहता है। आपका पेट जब भी ख़राब होता आप इसको खा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं वीडियो में कैसे कट कर रहे हैं। पहले इसके जो आगे पीछे का पार्ट है इसको निकाल देते हैं। इसी तरह हम जो बाकी नींबू हैं उनको भी कट कर लेंगे। इस तरह कट कर लेते हैं। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड सभी जो नींबू हैं उनको कट कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह कट करे हैं छोटे छोटे, क्योंकि बड़े जो पीस रहते हैं तो फिर लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं तो वेस्ट चला जाता है, इसलिए छोटे छोटे पीस यानी करे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। यहाँ पे 1/2 किलो नमक ले लेते हैं क्योंकि नमक की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, इससे नींबू यानी अचार ख़राब नहीं होते हैं। इसमें यानी 1/2 किलो नमक ले लिए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी, यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी डाल दिए हैं। हल्दी से जो कलर अच्छा आता है तो हल्दी मैंने डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिला दिए हैं। अब इसको हम रख देंगे यानी 12 दिन के लिए ऐसे रख देंगे और डेली यानी इसको उल्टा पलटा देंगे, जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से यानी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 12 दिन हो चुके हैं, इस तरह वो नहीं गल गया है। अभी यहाँ पे चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला इसमें मिर्च ले लिए हैं, लाल मिर्च है यहाँ पे, यानी कि नमक थोड़ी सी हम लिए हैं, करीब 1/2 कप लिए हैं, काला नमक है और ये जीरा है, अजवाइन है, अजवाइन यानी 1 कटोरी है, 1 कप है और यहाँ पे काली मिर्च है और बड़ी इलायची है। तो इसको हम दाने निकाल लेंगे बड़ी इलायची के और ये जो छिलका होता है इसको अलग कर लेंगे। तो चलिए इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी अचार बना रहे हैं तो उसको यानी मसाला थोड़ा सा गरम कर लें, क्योंकि यानी जो नमी रहती है उसे यानी मसाला को गरम करने से उसकी नमी चली जाती है और अचार भी ख़राब नहीं होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा मसालों को रोस्ट कर लें, इससे मसाला जो है तो अच्छे रहते हैं तो अचार भी अपना ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे चलिए इसको चला देते हैं, सब जो मसाले लिए हैं उनको डाल दिए हैं। अब इनको यानी ज़्यादा हमको नहीं चलाना है, कम से कम 5 मिनट तक इनको रोस्ट करना है। और इसमें जीरा डाल देते हैं, इसको भी डाल के चला देते हैं। तो देखिए डाल दिए हैं, अब इसको देखिए रोस्ट हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में ठंडा होने के लिए, इसमें निकाल लेते हैं। अब ये ठंडा हो जाएगा तब फिर इसको पीसेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है तो एक मिक्सर जार ले लिए हैं, इसमें डाल लेते हैं मसालों को
और इसको पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मसाला जो है तो पीस गए हैं, ये देखिए। अब इसको नींबू में हम डाल देते हैं, तो देख सकते हैं यानी इसका कलर जो है तो नींबू कितना अच्छा आ गया है हल्दी डालने से। इसमें डाल देते हैं मसाला। ये देखिए इसमें मसाला डाल दिए हैं। इसमें जो अब नमक डाल देते हैं, काला नमक। काला नमक इसलिए डाले हैं, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये हम घर में तैयार करे हैं नमक, नहीं बनाए हैं, पीसे हैं इसका। और इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च। लाल मिर्च हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, और एक क्योंकि पेट के लिए अच्छी नहीं होती, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, बस थोड़ी सी डाले हैं, 1 चम्मच, आधा चम्मच के आसपास। तो इसको अच्छे से चलिए मिला देते हैं अचार को। तो देखिए फ्रेंड, अच्छे से मिला दिए हैं ये अचार को। अब इसको एक बर्तन में रख देंगे, एयर टाइट कंटेनर में, कांच के। तो ये देखिए, और आप जब भी बर्तन लें तो इसको अच्छे से धो लें और साफ़ कर लें, और इसको धूप में रख दें, अच्छे से सुखवा लें, जिससे आपका अचार ख़राब ना हो। और जब भी आप अचार निकालें तो यानी साफ बर्तन यानी चम्मच से निकालें, और उसमें पानी ना लगा हो, तो आपका अचार यानी बहुत दिनों तक चलेगा। ये अचार जो नींबू के डालते हैं तो ये इन्हें ठंडी के मौसम में नींबू जो होता है तो अच्छा मिल जाता है, और ठंडी में जो नींबू आते हैं तो उसको अचार रखने से आपका यानी अचार ख़राब नहीं होते हैं, नींबू अच्छे रहते हैं। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है, इसको हम 12 दिन तक ऐसे यानी रखे थे, तो आपको मैं सोचे दिखा देती हूँ, तो देख सकते हो आप वीडियो में। ये देखिए आप इसको यानी खा सकते हैं, नहीं तो 1-2 महीने के बाद इसको आराम से आप खा सकते हैं, खाने लायक हो जाता है। तो फ्रेंड, हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।